योगी सरकार यूपी में माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ पूरे एक्शन में है। अतीक अहमद की अब तक 200 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। उसके खास कुर्कों पर भी कानून का हथौड़ा चल रहा है। इधर मुख्तार अंसारी गैंग पर भी गाज गिर रही है। देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई से कैसे मचा है हड़कंप। अपराधियों और माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। अतीक अहमद गैंग के सपनों पर योगी सरकार का बुलडोजर। बाहुबली अतीक अहमद के खास गुर्गी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सील। जेल की सलाखों के पीछे अतीक अहमद के कई करीबी। योगी सरकार ने यूपी के बाहुबलियों की घेराबंदी तेज कर दी है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे एक एक करके योगी सरकार अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने में जुटी है। अतीक अहमद के अवैध और बेनामी संपत्ति की कुर्की की जा रही है। आरोप है कि अतीक अहमद ने गुनाह और खौफ के दम पर करोड़ों की अवैध संपत्तियों को जमा किया था, लेकिन अब उसकी अवैध दौलत पर कानून का हथौड़ा चल रहा है। शुक्रवार को प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्तान के कब्जे की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। ये सूचना आई थी कि इन्होंने दूसरे को विक्रय कर दिया था और कब्जा हस्तांतरण कर दिया था, जो बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं होनी चाहिए थे। प्रॉपर प्रक्रिया से नोटिस जारी हुई थी, नोटिस जारी होने के बाद चस्पा हुई थी, इसके बाद प्रॉपर कार्रवाई के बाद ये आप जैसा देख रहे हैं ये इलीगल इंक्रोचमेंट तोड़ा जा रहा है और सरकार अपने कब्जे में जमीन को ले रही है। अतीक अहमद के साल 2017 में जेल चले जाने के बाद उनके रिश्तेदारों का कब्जा इस सरकारी जमीन पर बना हुआ था। अतीक अहमद के साथ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ भी पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। ग्राम घर गजेपुर के निवासियों सुनो, गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह। अंसारी गिरोह के करीब रहे राजन सिंह की 35 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्की करने की कार्रवाई की गई। जो माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, उसमें आज मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी गिरोह इंटरस्टेट गैंग 191 का अत्यंत नज़दीकी और कोयला माफिया जो गैंग मेंबर है राजेश उर्फ राजन सिंह, इसकी 35,23,600 रुपए की अनुमानित मूल्य की संपत्ति आज 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। राजेश उर्फ राजन सिंह के भाई उमेश सिंह की 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। दरअसल योगी सरकार की कोशिश यूपी में माफिया और बाहुबलियों पर शिकंजा कसने की है। इसके लिए सबसे पहले माफिया और बाहुबलियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।